तो क्या हाल है। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे टू मोस्ट पॉपुलर बाइक 125 सीसी सेगमेंट से। फर्स्ट आती है होंडा के फ्लीट से होंडा एसपी 125 एंड हीरो के फ्लीट से ग्लैमर 125 और जानेंगे विच बाइक शुड बाय। वैसे दोनों बाइक अपने रिस्पेक्टेड कंपनीज के लिए बहुत अच्छी सेल्स रिपोर्ट देती है एंड मोस्ट सेलिंग बाइक की सेल्स रिपोर्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना लेती हैं। सो कंपैरिजन को हम सब सेक्शन में बांटेंगे जैसा आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा और एंड में दोनों बाइक के एग्जॉस्ट साउंड को भी सुनेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। मैं अपने इंस्टाग्राम एंड एफबी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर फॉलो करें एंड सपोर्ट करें। और अगर आपको इसी तरह के बाइक पर कंपेयर वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट डाउन करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो ग्लैमर में लगाया गया 124.7 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BSS कंप्लाइंट PGMFI एयर कूल्ड इंजन, जिसकी मैक्स पावर 10.87 PS एट 7500 RPM एंड मैक्स टॉर्क 10.6 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM एंड बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स साथ आती है। जबकि SP 125 में लगाया गया 124 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड BSS कंप्लाइंट HET इंजन, जिसकी मैक्स पावर 10.8 PS एट 7500 RPM एंड मैक्स टॉर्क 10.9 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM एंड बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स साथ आती है। सो इंजन स्पेस की बात करें तो ग्लैमर का इंजन बहुत रिफाइन है एंड क्लचफुल भी सॉफ्ट साइड पर दी गई है एंड अक्रॉस द रेड रेंज गाड़ी बहुत मक्खन जैसी चलती है एंड गियरबॉक्स बाइक की बैटरी स्मूथ है एंड I3S टेक्नोलॉजी कारण बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एंड वर्किंग की बात कर ले तो बाइक न्यूट्रल में 4 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी एंड क्लच पुल करने से इंजन ऑन हो जाएगी एंड क्लेम माइलेज गाड़ी की 60-65 KMPL की है। जबकि SP 125 का इंजन भी बैटरी स्मूथ है एंड अक्रॉस द रेड रेंज गाड़ी बहुत अच्छी चलती है एंड गियरबॉक्स गाड़ी की स्मूथ है एंड क्लच पुल भी सॉफ्ट साइज पर दी गई है एंड वी ऑल नो होंडा का इंजन बहुत रिफाइन होता है सो आपको कंप्लेंट नहीं मिलेगी। एंड गाड़ी में साइलेंट स्टार्ट मोटर आता है इसके ACG इंजन के कारण एंड क्लेम माइलेज बाइक की 55-60 KMPL की है एंड शाइन का सक्सेसर होने के कारण बाइक को एक एज मिलता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। वन मोर पॉइंट, पिकअप एंड टॉप एंड में दोनों गाड़ी नेक टू नेक परफॉर्म करती है बट इनिशियल पंच SP का ज़्यादा अच्छा है। सो इस डिपार्टमेंट में हम SP 125 को विनर मानेंगे बिकॉज होंडा का इंजन बहुत रिफाइन होता है प्लस सेल्स रिपोर्ट की ओर देखा जाए तो शाइन की सेल्स उसके इंजन रिलायबिलिटी के कारण जानी जाती है। सो सेकंड बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ग्लैमर में लगाया गया 240mm का फ्रंट डिस्क और ऑप्शनल 130mm का ड्रम ब्रेक एंड रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक सेटअप इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। जबकि SP 125 में लगाया गया 240mm का फ्रंट डिस्क और ऑप्शनल 130mm का ड्रम ब्रेक एंड रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक सेटअप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। सो ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग बाइक दोनों बाइक की बहुत अच्छी है, फीडबैक भी इम्प्रेसिव है, ISB एंड CBS के होने से ब्रेकिंग एफिशिएंसी इन्हांस हो जाती है। सो इस डिपार्टमेंट को हम टाइम मानेंगे दोनों बाइक के सेम स्पेक्स के बेसिस पर। थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। तो ग्लैमर में लगाया गया हैलोजन हेडलाइट विद 2-पीस हैलोजन DRLs जो बाइक को बोल्ड लुक देता है पल्सर की तरह एंड बाइक में हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड रियर में एस शेप LED टेल लैम्प मिलती है। जबकि SP 125 में लगाया गया LED हेडलाइट एंड हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड रियर में हैलोजन टेल लैम्प मिलती है। सो लाइट्स की बात करें तो ग्लैमर का हेडलाइट इल्यूमिनेशन सेगमेंट बेस्ट है एंड आई विश एक्सट्रीम 160R की तरह बाइक में LED हेडलाइट होते। जबकि SP 125 का हेडलाइट इल्यूमिनेशन भी बहुत अच्छा है एंड बाइक को मॉडर्न लुक देता है इसके LED पैकेज से, बट यहाँ ग्लैमर का हेडलाइट इल्यूमिनेशन SP 125 से बेटर है। सो ओवरऑल इस डिपार्टमेंट का देखा जाए तो हम एक पॉइंट ग्लैमर को देंगे। सो फोर्थ बात करते हैं व्हील्स एंड टायर्स की। सो ग्लैमर में लगाया गया 80x118 इंचेस का फ्रंट ट्यूबलेस टायर एंड रियर में 100x80 का 18 इंचेस ट्यूबलेस टायर। जबकि SP 125 में लगाया गया 80x100 का 18 इंचेस ट्यूबलेस टायर एंड रियर में भी 80x100 का 18 इंचेस ट्यूबलेस टायर लगाया गया है। सो व्हील्स की बात करें तो SP एंड ग्लैमर का फ्रंट टायर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है बट रियर एंड में बात कुछ और हो जाती है और 20mm मोर फैटर टायर यूज होते हैं ग्लैमर में जो इसके ओवरऑल ग्रिप को इंक्रीज करती है। सो इस डिपार्टमेंट का विनर हम ग्लैमर को देंगे इसके बेटर व्हील्स एंड टायर्स के कॉन्फ़िगरेशन से। फिर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो ग्लैमर में लगाया गया पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल ब्लू बैकलेट के साथ, जिसमें बेसिक फीचर्स जैसे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे फीचर्स मिलते हैं। जबकि SP 125 में लगाया फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल व्हाइट पैकलेट के साथ, जिसमें बेसिक फीचर जैसे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आते हैं एंड सेगमेंट हाइट फीचर्स जैसे रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलते हैं। सो कंपेयर करके बताया जाए तो SP 125 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत ज़्यादा मॉडर्न है एंड फीचर लोडेड भी है एंड फर्स्ट इन द सेगमेंट एंड सेगमेंट हाइट फीचर के साथ आता है जो कुछ 150-200 सीसी के बाइक में भी नहीं मिलते हैं। सो इस डिपार्टमेंट का अनडाउटेबली विनर हम SP 125 को देंगे इसके बेटर कंसोल के बेसिस पर। सिक्स बात करते हैं कम्फर्ट की।
तो ग्लैमर में लगाया गया सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट जो लॉन्ग एंड वाइड इनफ है राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए। एंड सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आता कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक विद एंटी फ्रिक्शन बुश एंड रियर में आता ट्विन शॉक अब्सॉर्बर। जबकि SV125 में लगाया गया सिंगल पीस कंफर्टेबल सीट जो लॉन्ग एंड वाइड इनफ है राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए। एंड सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आता 31mm का टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में आता ट्विन हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर। सो कंफर्ट की बात की जाए तो ग्लैमर की सीट बहुत अच्छी है एंड प्रैक्टिकल भी है राइडर एंड पिलियन के लिए। एंड सीट हाइट गाड़ी की 790mm की है जो इसे हर हाइट की राइडर्स के लिए बेस्ट सूटेड बनाता है। एंड फुटरेस्ट गाड़ी की सेंटर सेट है एंड हैंडल बार भी रेज्ड है जो इसे कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर देता है। एंड वेट गाड़ी की 122kg की है जबकि SP125 की सीटिंग बहुत अच्छी है एंड फ्लैट है एज कम्पेयर टू ग्लैमर जो इसके कंफर्ट को इंक्रीज करता है। एंड बाइक की सीट हाइट 790mm की है जो इसे हर हाइट के राइडर्स के लिए बेस्ट सूटेड बनाता है। एंड फुटरेस्ट गाड़ी की सेंटर सेट है एंड हैंडल बार भी रेज्ड है जो इसे कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर देता है। एंड वेट गाड़ी की 117kg की है। सो ओवरऑल इस राउंड को हम टाइम मानेंगे बिकॉज दोनों बाइक के स्पेक्स को देखा जाए तो दोनों इक्वल परफॉर्म करते हैं कम्फर्ट के बेसिस पर। सेवेंथ एंड लास्ट बात करते हैं प्राइस, कलर्स एंड ओवरऑल फीचर्स की। तो ग्लैमर की बात की जाए तो बाइक 6 वेरिएंट में आती है जिसमें स्टैंडर्ड ड्रम वेरिएंट की प्राइसिंग 83,620 ऑन रोड न्यू दिल्ली है, प्लीज एडिशन ड्रम वेरिएंट की प्राइसिंग 85,784 ऑन रोड न्यू दिल्ली है एंड 100 मिलियन लिमिटेड एडिशन ड्रम वेरिएंट की प्राइसिंग 85,600 ऑन रोड न्यू दिल्ली है एंड स्टैंडर्ड डिस्क वेरिएंट की प्राइसिंग 87,474 ऑन रोड न्यू दिल्ली है, प्लीज एडिशन डिस्क वेरिएंट की प्राइसिंग 89,674 ऑन रोड न्यू दिल्ली है, 100 मिलियन लिमिटेड एडिशन डिस्क वेरिएंट की प्राइसिंग 89,457 ऑन रोड न्यू दिल्ली है। अगर आपको अपनी सिटी के ऑन रोड प्राइस जाननी है तो आप जरूर कमेंट डाउन करें। अब कलर्स की बात की जाए तो बाइक 5 कलर्स में आती है, टेक्नो ब्लू, स्पोर्ट्स रेड, रेडिएंट रेड, मिडनाइट ब्लैक एंड हर्ली मिलियन लिमिटेड एडिशन। तो SP125 की बात की जाए तो बाइक 2 वेरिएंट में आती है जिसमें ड्रम वेरिएंट की प्राइसिंग 88,216 ऑन रोड न्यू दिल्ली है एंड डिस्क वेरिएंट की प्राइसिंग 92,946 ऑन रोड न्यू दिल्ली है। अब कलर्स की बात की जाए तो बाइक 4 कलर्स में आती है, स्ट्राइकिंग ग्रीन, इंपीरियल रेड मेटालिक, पोल साइरन ब्लू, मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक। So which bike should I buy? So अगर आपको हीरो की रिलायबिलिटी चाहिए और लॉन्ग रन के लिए बाइक चाहिए विद डिसेंट लुक, गुड पिकअप, ग्रेट टू चार्ज सॉकेट, बेटर ग्रिप एंड हीरो की मेंटेनेंस एंड वाइड सर्विस एरिया नेटवर्क, तो आप आग खुनकर हीरो ग्लैमर 125 BSS को ले सकते हैं। एंड अगर आपको होंडा का रिलायबल इंजन चाहिए विद मस्कुलर लुक, कूल इंस्ट्रूमेंट डैशबोर्ड, LED हेडलाइट एंड मोर प्रीमियम टच बाइक, तो आप आग खुनकर SP125 की ओर जाएं। सो इस कंपैरिजन को हम यही एंड करते हैं एंड मेरे एनालिसिस से इस कंपैरिजन का विनर हम SP125 को देंगे बिकॉज 5 के ज्यादा देने पर आपको मोर प्रीमियम बाइक मिल रही है। एंड आप कमेंट डाउन करके हमें जरूर बताएं कि विच बाइक शुड बाय। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।